हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज हम कच्चे केले का कोफ्ता बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए दो उबले हुए कच्चे केले, दो उबले हुए आलू, 1/4 कप आटा, एक टमाटर चॉप किया हुआ, नमक स्वाद अनुसार, 1 स्पून हल्दी पाउडर, 2 स्पून जीरा धनिया पाउडर, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला, 2 स्पून अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ मैंने 2 केला लिया हुआ है, ये बॉयल्ड केला है। इसमें 2 बॉयल्ड आलू डालेंगे, फिर इसको अच्छी तरह से स्मैश कर लेंगे। इस तरह से इसको अच्छी तरह से, जितना अच्छी तरह से हो सके आप स्मैश कीजिए। इसमें नमक स्वाद अनुसार डालिए, हल्दी, फिर जीरा धनिया पाउडर डाल के फिर अच्छा से इसको मिलाइए। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिला लिया। अब हम इसमें 1/4 कप जितना आटा लिया हुआ है उसको भी इसमें मिला देंगे। आटा डाल रही हूँ क्योंकि बाइंडिंग अच्छा होगा इसके लिए। इसका हम कोफ्ता बनाएंगे तो इसलिए थोड़ा बाइंडिंग चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा मिलाया है। देखिए अच्छी तरह से इसको गूंथ लिया है। अब इसको गोल गोल करके इसका कोफ्ता बनाएंगे हम, ऐसे गोल गोल करके कोफ्ता बनाएंगे। इस तरह से कोफ्ता बना लेंगे। इस तरह से कोफ्ता मैंने बना लिया है। अब पैन में तेल गरम करने के लिए रख लेंगे। मैं सरसों तेल यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें धीरे धीरे से ये डाल देंगे और शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर आजकल सब लोग तेल अवॉइड करते हैं तो इसलिए मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। देखिए दोस्तों अब ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसको धीरे धीरे से निकाल लेंगे। मैंने सब कोफ्ते को फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा पचफोरन डाल रही हूँ मैं। अब हम इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसमें 2 चम्मच अदरक का पेस्ट है, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। हम इसमें जीरा और धनिया पाउडर डाल रहे हैं, वो भी 1.5 चम्मच डाला मैंने। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 स्पून करीब, और 1 चॉप्ड टोमेटो चॉपिंग किया हुआ, आप चाहे तो प्यूरी भी बना सकते हैं। और मैं इसमें प्याज या गार्लिक नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो प्याज और लहसुन डाल के भी बना सकते हैं। इसके बाद इसमें प्याज और लहसुन का पेस्ट बना के डाल दीजिए, बस हो गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसको मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको धीमी आंच में हम 10-15 मिनट तक पकाएंगे। देखिए दोस्तों अब मसाला भून चुका है, मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। मैंने 10-15 मिनट तक इसको भून लिया है, अब ये भून चुका है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा देर इसको 2-3 मिनट और भूनेंगे। देखिए दोस्तों मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और थोड़ा सा उबलने देंगे पानी को, फिर कोफ्ते को इसमें डाल देंगे। अब मसाला बन के रेडी है, अब हम कोफ्ते को इसमें धीरे धीरे से छोड़ देंगे।
और इसको और 2 मिनट इसको पकने के लिए रख देंगे। देखिए अब कोफ्ता बनके रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। अगर वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।